वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू पिरानी है। तो गाइज आज मैं करने वाली हूँ एक डिटेन क्रीम का रिव्यू, जो कि है ये रिकोड ब्रांड। आपने बहुत काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, शार्क टैंक में भी इसका रिव्यू हुआ था। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये इंस्टाग्राम पे इनका पेज है और इनकी वेबसाइट भी है रिकोड नाम से। इनकी देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है। तो ये डिटेन क्रीम है और कुछ इस तरीके से आती है। आदि इसमें चंदन और मुल्तानी मिट्टी जैसा ही कुछ फ्रेग्रेंस आ रहा है। इसका टेक्सचर तो काफी ये थिक वाला है। तो सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग वगैरह की बात करते हैं। तो पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आती है, देखो। तो सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। तो पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आती है इसकी। काफी लोकल पैकेजिंग है, कोई ज्यादा खास एंड लग्जूरियस नहीं है। इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, 330 पे प्राइस मेंशन है। डिस्काउंट करके आपको ये 300 या हाँ मैक्सिमम 300 तक पड़ जाएगी। और इसकी क्वांटिटी हम लोग देखते हैं, तो क्वांटिटी कितनी है, और इसमें 5 ग्राम्स इसकी क्वांटिटी है। और इस पे लिखा हुआ ऐसा मेंशन है कि ये डार्क स्पॉट्स, स्किन वाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो लेट्स ट्राई कि ये मैं ऐसा काम करता भी है। तो हम ये इतना सा बॉटल्स का आता है, ओपन करके देखते हैं। तो कोई इसमें वो ढक्कन वगैरह नहीं है, जस्ट सीधा ये प्रोडक्ट है। इसकी क्वांटिटी का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। जस्ट फर्स्ट टाइम मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, अभी मैंने इसकी पैकेजिंग वगैरह ओपन की है। ठीक है, तो हम जल्दी से इसे ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि ये एग्जैक्टली वर्क करती है, टैनिंग हटाती है, कुछ फर्क दिखता है कि नहीं दिखता। चलिए जल्दी से ट्राई कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इसे ब्रश से इसलिए अप्लाई नहीं कर रही क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं इसे उंगलियों से ही कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया है, आप भी फेस वॉश वगैरह कर लीजिएगा, उसके बाद से अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसे लगा के दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मैंने यहाँ पे सारा अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे। इसमें ज़्यादा क्वांटिटी वैसे तो लगी नहीं, काफ़ी कम क्वांटिटी में ये इजीली लग गया। और हाँ, इससे मैं जस्ट 10 to 15 minutes रखूंगी, जब तक ये ड्राई हो जाता है। उसके बाद मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी, देन देखते हैं इसके रिव्यू कि कैसा रिजल्ट आता है। तो ये ऑलमोस्ट अब ड्राई हो चुका है, मैं इसे वॉश कर ली हूँ एंड देखते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे फेस वॉश तो कर लिया है एंड मुझे तो क्लियर फेस लग रहा है। लाइक ऐसे नहीं बोल रही कि बिल्कुल ही टैनिंग गायब हो गई है, बट हाँ पहले से फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्लियर लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इफेक्ट हुआ है। तो जस्ट एक बार में ही अगर मुझे अच्छा लगा है तो इट मीन्स ये मेरे लिए तो अच्छा है। मैं इसे ज़रूर यूज़ करूँगी क्योंकि ये काफ़ी ठीक लगा मुझे प्रोडक्ट। तो अगर आप भी कोई डिटेन क्रीम सोच रहे हैं काफ़ी अफोर्डेबल में, तो आप ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्रीम है ये डिटेन क्रीम, देख सकते हैं आप खुद। मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से क्लोजअप में। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप भी चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।